हेलो क्लास फिफ्थ वेलकम टू द क्लास माई सेल्फ एस डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है आज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ए टिक करेक्ट आंसर वन द जीरो डिग्री लैटिट्यूड इज नॉन एज जो जीरो डिग्री लैटिट्यूड होता है वो किस नाम से जाना जाता है प्राइम मेरिडियन प्राइम मेरिडियन जो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो नहीं सकता इक्वेटर होगा इसका आंसर क्या होगा इक्वेटर द डैश स्टैंड एट नाइन्टी डिग्री एस नाइन्टी डिग्री एस पर कौन स्टैंड करता है इक्वेटर तो जीरो डिग्री पे होता है ठीक है तो इस पर स्टैंड करता है साउथ पोल कौन स्टैंड करता है साउथ पोल तो इसका आंसर होगा बेटा साउथ पोल क्या होगा साउथ पोल और ये होगा हमारा इक्वेटर ठीक है समझ गए क्वेश्चन थ्री द ट्रॉपिक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नॉन एज द जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक होता है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कहलाता है बेटा क्लास फिफ्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है ना समझ में आया द दैटीट्यूड ऑफ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री एस इज नॉन हेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन ठीक है लेटीट्यूड जो कि ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ होता है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन समझ में आया समझे क्लास फिफ्थ लेटीट्यूड रन फ्रॉम लेटीट्यूड कहां से कहाँ जाता है बताइए लॉन्गिट्यूड जो हमारा है वो जाता है नॉर्थ से साउथ तो लेटिट्यूड कहाँ से जाएगा लेटीट्यूड जाएगा ईस्ट टू वेस्ट कहाँ से जाएगा ईस्ट टू वेस्ट ठीक है समझ में आया आपको समझ गए ना हम्म तो अब चलिए अगले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बी मैच द फॉलोइंग कॉलम्स आपको ये फॉलोइंग कॉलम्स ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं इनको मैच करना है ट्वेंटी थ्री डिग्री हाफ ट्वेंटी थ्री हाफ डिग्री नॉर्थ तो ये होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाइन्टी डिग्री नॉर्थ तो ये होगा हमारा नॉर्थ पोल क्या होगा हमारा नॉर्थ पोल जीरो डिग्री इक्वेटर तो ये हमारा होगा ये ठीक है, जीरो डिग्री है तो ये इक्वेटर हो गया और सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री एस तो ये हो गया हमारा अंटार्क सर्कल क्या हो गया भैया अंटार्कटिक सर्कल ठीक है समझ में आया मैचिंग होगी टू थ्री वन फोर क्या होगी टू थ्री वन फोर अब चलिए देख लेते हैं ट्रू फॉल्स राइट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन वन लेटीट्यूड आर पैरल टू अदर Latitude पैरल होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल होते हैं लॉन्गिट्यूड नहीं होते हैं लेकिन लेटिट्यूड होते हैं एक दूसरे के पैरल तो इसका होगा आंसर ट्रू द लेटीट्यूड एट सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ इज नॉन हैज आरक्टिक सर्कल तो ये होगा हमारा फॉल्स क्या होगा फॉल्स लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो नॉन हैज द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड तो ये होगा ट्रू क्यों क्योंकि लॉन्गिट्यूड जाने जाते हैं मेरीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से तो ये हुआ हमारा ट्रू द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज मिनिमम टू द मिनिमम एट द इक्वेटर इक्वेटर से जो दो मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है नहीं वो मैक्सिमम होता है तो ये होगा हमारा फॉल्स ग्रेड हेल्प अस टू एक्यूरेटली लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप और अ ग्लोब बिल्कुल ग्रेड हमारी हेल्प करती है एक्यूरेट प्लेस को लोकेट करने के लिए किसी भी प्लेस को एक्यूरेटली लोकेट करने के लिए ग्रेड हमारी बिल्कुल हेल्प करती है ठीक है रीड द फॉलोइंग क्लूज एंड नेम दैम जो हमारे क्लूज दिए हुए हैं इनको रीड करिए और इनका नाम दीजिए इमेजनरी लाइन्स डेट रन फ्रॉम ईस्ट टू बेस्ट इमेजनरी लाइन जो ईस्ट से बेस्ट की तरफ लर्न कर रन करती हैं तो वो हमारी क्या होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं या होती हैंट्टीट्यूड वो होती हैं लेटिट्यूड क्या होती हैंड ठीक है समझ गए लेटिट्यूड एट सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ये होगा हमारा आर्कटिक सर्कल क्या होगा आर्कटिक सर्कल मैंने आपको चैप्टर में समझाया है ठीक है इमेजनरी लाइन डेट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इमेजनरी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड क्या कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गी हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं ऊपर से नीचे द सिटी थ्रो बिच द प्राइम मेरिडियन पासिस उस सिटी का नाम बताइए जहां से प्राइम मेरिडियन पास होता है तो वो सिटी है ग्रीनविच ठीक है ग्रीनविच इन लंडन ठीक है आप इसको इस तरीके से करिए ग्रीनविच इन लंडन ठीक समझ में आया क्या होगा ग्रीनविच इन लंडन द नेटवर्क फॉर्म्ड वाइल लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड नेटवर्क कौन जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं उसका क्या नाम है उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं ग्रेड क्या बोलते हैं ग्रेड ठीक है तो ये थी आपकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई आज अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आपने अपना टाइम दिया मुझे उसके लिए थैंक यू सो मच